नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं और हर बार हम एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो दर्शकों, आज भी हम ऐसे ही एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं जनजातीय लोक संस्कृति की एक झलक के बारे में। और दर्शकों, इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी रामदेव कपूर जी से। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सर, आज हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सर, जैसे कि आज हम बात करेंगे संस्कृति की, हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कि नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में हम रंग बिरंगे रंगों के बारे में बात करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो ये सब रंगों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम एक पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, भगवान का नाम लेके करते हैं। तो मैं चाहूँगी आज भी हम अपनी शुरुआत दिन की ऐसे ही करें, इस प्रोग्राम की शुरुआत भी ऐसे ही करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम शुरुआत में एक भजन सुन लें। जी ज़रूर जी। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शन दिखाए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बहुत खूब सर, अगर हमारी शुरुआत इस तरह से हो, इतना प्यारा आपने भजन सुनाया, तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो अपने कार्यक्रम को शुरू करते हुए, जैसे कि हमने बताया कि रंग बिरंगी बातों के बारे में, कल्चर के बारे में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन सर साथ ही आपकी भी पर्सनैलिटी उतनी ही रंग बिरंगी है, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का, जो शिमला दूरदर्शन है, इसका मैं मतलब अपने तय दिल से, अंतरात्मा से मैं इनका ये स्वागत करता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैंने कभी मतलब उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक दिन दूरदर्शन पहुँचूँगा। आकाशवाणी तक तो मैं पहुँच गया था, पर दूरदर्शन में पहुँचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है जी। तो मैं अपने बारे में अब मतलब ये बताना चाहूँगा जी, मैं लाहौल स्पीति ज़िला की, जो लाहौल घाटी हमारी है ना जी, लाहौल घाटी के जो हमारे पटन घाटी कहते हैं, जैसे जो हमारे उदयपुर है, त्रिलोकीनाथ से उस तरफ मेरा गांव पड़ता है जी। मेरे जो पैतृक गांव का नाम है ठोलंग जी, मैं वहां का रहने वाला हूं जी। तो बस वहीं पले पले बड़े हैं जी। जो प्रारंभिक मेरी शिक्षा जो है वो वहीं से आरंभ होती है, मतलब गाँव से ना जी। तो मुझे अब इन चीज़ों के बारे में पता था, मैं गाता हूँ, बजाता हूँ, क्या हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी थे, मेरे से बड़े दो भाई थे। अब दो भाइयों में से एक तो नहीं रहे हमारे बीच में ना जी, तो उनका स्वर्गवास हो चुका है। 2004 में वो उनकी डेथ हो गई थी जी। बहुत अच्छे कलाकार थे वो। हमारे पूरे गांव में एकमात्र हमारा ही परिवार था जी। जी तो मतलब एक होते ना, जैसे हम वो जिसको कहते हैं एक व्यावसायिक या पेशेवर कलाकार होते हैं, जैसे जो हमारे है ना जी, जी, जी इस तरह से नहीं, शौक रखने वाले जी, बिल्कुल। हमारे परिवार को मतलब कला से बड़ा प्रेम था जी, मेरे पिताजी से लेकर। पिताजी खुद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे जी। लद्दाखी गीत गाते थे जी, और मतलब इतना अच्छे तरीके से गाते थे। हालांकि देखो लद्दाख जो वहाँ का उनका जो कल्चर अलग है, हमारा अपना अलग है जी, क्योंकि उस समय हमारा लद्दाख तिब्बत के संबंध भी होता था ना, हमारा ये मतलब व्यापारिक संबंध था जी। तो घोड़े खच्चरों के साथ जाते थे, तो पिताजी को वहाँ जाने का मौका मिला जी। तो उनको भी मतलब मेरी तरह नहीं, मतलब कुछ सीखने का, मतलब बचपन से उनको बड़ा एक शौक था मेरे पिताजी को। तो वहाँ की उसने बोली भाषा भी सीख ली, और वो मतलब लोहा मानते थे, ऐसा सुनाते थे कि लद्दाखी लोहा मानते थे कि यार एक लाहौल का रहने वाला व्यक्ति जो है हमारी बोली देखो कितना बढ़िया बोलता है, बिल्कुल है ना जी, हाँ जी। कई बार तो डिबेट वगैरह होता था ना, कहता मैं हरा देता था उनको जी। कहते हैं यार आपसे कहता जीतना बहुत मुश्किल है जी। तो मेरे जो जो स्वर्गीय पिताजी, उनका नाम बुद्धिस्ट नेम था जी, टशीदावा जी, जी है ना जी। तो दो तीन नाम है उनके, तो हिंदी नामकरण तो बाद में हुआ, फिर अर्जुन गोपाल के नाम से जाने जाते हैं वो पिताजी। तो उन्होंने मतलब थोड़ा ऐसा ना जी, उनके बदौलत ही मतलब हमें प्रेरणा मिली जी। अब भगवान ने शायद ये गॉड गिफ्ट कहता ना, वरदान होता है, गला दिया हुआ था मुझे जी। तो अब मुझे पता नहीं था कि मैं इतना मैं गा सकता हूँ, मतलब कुछ कर सकता हूँ जी। शौक था मेरे को बांसुरी बजाने का जी। बांसुरी मतलब हल्का फुल्का पिताजी भी बजा लेते थे। तो मेरे जो जो भाई जो जो जिनकी डेथ हो गई थी वो बहुत अच्छे बजाते थे जी। मतलब कहा जाए कि जो आपका संगीत का ये जो आपको सफर रहा जी है जी, ये आपके घर से ही शुरुआत से हुई है। तो सर अगर हम बात करें, जिसे आपने शुरुआत जब की थी, क्योंकि आपने बात कही कि जो आपके पिताजी है वो भी गाते थे, और साथ ही आपके घर पे भी प्रेरणा मिली आपके घर परिवार को कि आप लोग भी संगीत में जाएं। तो जैसे हम देखते हैं जब बच्चे होते हैं तो हमारे अलग अलग से शौक होते हैं और नई नई चीजें हम करना चाहते हैं, नई नई चीजें हम सीखना चाहते हैं, और साथ अगर हम देखें तो संगीत में, कभी खेल कूद में, तो कभी नाच गाने में आगे जाना होता है। और जैसे हम जात करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज का अगर हम देखें, कल्चर अलग है, म्यूजिक अलग है, हर चीज़ अलग है। तो जो वो आपकी शुरुआत हुई आपके गाने की, वो किस तरह से शुरुआत हुई और कब आपने जो है गाना शुरू किया? ये ऐसा है जी, मैं गाता तो पहले से था ना जी, तो विशेषकर जो मेरे जो
जो गुरुजन थे कुछ मेरे ना जी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया काफ़ी ना जी, स्कूल स्कूल में जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लेने का मुझे उन्होंने मौका दिया जी, क्योंकि उनको पता था ये लड़का प्रतिभाशाली है, गाता है जी। तो जैसे उस समय ना ये स्कूल में शनिवार को एक बाल सभा का आयोजन किया जाता था, तो आपको शायद याद होगा जी, तो उसमें मुझे मौका देते थे, अवसर मिलता था गाने गुने का ना, फिर खूब तालियां बजती थी बड़ा मतलब। तो ये मतलब मेरा बचपन से ही है ना जी, असल में तो अब पता मुझे अच्छी तरह याद नहीं जी, है इवन कि मतलब मुझे एक ये मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पुराने जो प्राचीन जो हमारे लोग गीत गाते थे ना जी, जी, जिसकी मैं अभी कल्पना नहीं कर सकता, हम नहीं गा सकते थे उसको जी। लेकिन एकमात्र बच्चा मैं ऐसा था गाँव में, हमारा जो घूरे गाते हैं लाहौल में ना, वो घूरे का भी मैं आपको बताऊँगा घूरे कैसे गाते हैं हमारे लाहौल में, क्योंकि लोग गाता ना जी वो जी बिल्कुल। तो बुजुर्ग लोग जो ना जी मेरे को कहीं चौपाल में ना जी, वो शाम शाम को हम कटे, मैं तो छोटा था उस वक्त जी, है ना जी, अभी तक तो मेरे ख्याल में शायद स्कूल में दाखिल भी नहीं था मैं उस टाइम जी, ये वार्ड मतलब हाँ जी, तो कुछ ऐसा जैसा याद आ रहा है। तो बुजुर्ग लोग जो ना बड़े हैरान होते थे कि यार ये बच्चा यार इतनी छोटी उम्र में देखो इतने वो घूरे तक इसको याद है देखो जी, है ना जी। तो ये तो चलो गॉड गिफ्ट मानता हूँ ना जी प्रभु जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप अकेले बच्चे थे और बहुत मुश्किल था उसको गाना, तो मैं चाहूंगी कि वो अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुना दे। हाँ जी, वो ये फोक सॉन्ग सुनाता हूँ मैं आपको ना जी। दो पूरी हाटी सावे उपुरू, दो पूरी हाटी ए जुवेरी दीवा कुलुवेरी लाड़ी, अजुवेरी दीवा कुलुवेरी लाड़ी, ए कुलुवेरी लाड़ी सूजुणे लागी, सूजुणे लागी सूजुणे नाई, ए चिड़िए पंखोरू बुटो डाली सुजुंदे, चेपियेरी सुजुना देशेर नो की, ए गचो क्वांदा कुलुवा बेदेरी पेके, गचो क्वांदा कुलुवा बेदेरी पेके, ए बेदाना तिरा तू सदिकारियाणी, बेदाना तिरा तू सदिकारियाणी, एहरा हेरो बेदा तिरा तू मैं ढूंढे नाड़ी, हेरो बेदा तिरा तू मैं ढूंढे नाड़ी, ए बेदाना तिरा तू नाड़ी सुहेरी बेदाना तिरा तू नाड़ी सुहेरी, ए नाड़ी आंदूरे जीने री नाई, जीवे या बोलूंदा डरू शान दीती, ए गचो क्वांदा कुलुवा गुरेरी पेके, गचो क्वांदा कुलुवा गुरेरी पेके, ए गुरा ननाकू सदिकारियाणी, गुरा ननाकू सदिकारियाणी,
एहरो गुरा ननाकू से गुड़ा हेरी हेरो गुरा ननाकू से गुड़ा हेरी ऐसे गुड़े अंदूरे जीने री नाई जीवे या बोलूं ता दरुसान बीती। बहुत खूब सर, कितना खूबसूरत ये गीत है। तो जैसे कि आपने बताया कि इसे लाहौल स्पीति में गाया जाता है और बहुत पुराने लंबे समय से ये चला आ रहा है, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये कब गाया जाता है और कैसे जो है ये अभी तक भी चला रहा है। ये इसको ना जी दामिनी जी इसको कहते हैं, मतलब ये घुरे जी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा ना जब इतिहास को खंगालें तो जैसे चंबा में एक घुरई बोलते हैं, घुरई जी जी, एक ट्रेडिशनल ना उनका एक वो लोक गाथा के रूप में आते हैं, वो एक नृत्य के रूप में या गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं जी, है ना। तो उसमें वो महिलाएं भी, वो कहते हैं चंबा में महिलाएं मतलब नृत्य करती हैं इसके साथ ना घुरई जी। तो क्योंकि चंबा पांगी की जो संस्कृति का ना जी बहुत अधिक हमारे लाहौल में, जो विशेषकर जो पतन घाटी है ना, पतन जो हमारी घाटी है, प्रभाव है जी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ना वहाँ से कुछ एडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारे पुराने बुजुर्ग लोग वहाँ चंबा चुरा वगैरह नाम सुना होगा, वहाँ जाते थे वो जी, है ना, भेड़ बकरियों के साथ जाते थे, कोई किसी और काम से मतलब व्यापारिक उसे जाते थे ना जी, जी। तो वहाँ से घी लेके आते थे, कि चूरा का जो घी जो ना जो बड़ा मशहूर है बोलते हैं जी, बहुत पसंद करते हैं हमारे मतलब उधर लाहौल में भी ना जी, वो कहाँ से आया यार, चूरा से लाया जी ये घी जी। तो कनस्तर में ना वो डाल के लाते थे, मुझे याद है। तो वहाँ बैठ करके ना हमारे बुजुर्ग मतलब कुछ वहाँ सेटल भी हैं उधर चूरा में, बहुत हैं हमारे उधर ना तिंदी पांगी साइड में। तो वहाँ से ये संस्कृति का कुछ मुझे लगता है कि ये आदान प्रदान हुआ हमारा ना जी। तो हमने वहाँ की संस्कृति को एडॉप्ट किया, मुझे ऐसा लगता है जी, है ना जी। तो अब ये जो मैंने घुरे जो अभी गाया ना जी, जी, अब कुछ एक शब्द जो है वो आपके समझ में भी आ गए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जो लोकगीत है ना दामिनी जी, इसकी बनावट ही ऐसा है जो लोकगीत है हमारे फोक सॉन्ग, लेकिन जो बोली है हमारी जो प्रेजेंट जो बोली हम जो लाहौल में जो पटन घाटी में बोलते हैं, जैसे कि ना आइन तो ना, इसका मतलब है कि आप राजी खुशी हैं जी, आता नाच चाहतुंग आता नाच चाहतुंग जायला, आओ बैठो जी चाय पी के जाओ, ये हमारी प्रेजेंट बोली है ना जी। लेकिन इस बोली में मतलब है ही नहीं, मतलब गीत ही नहीं हमारे बने हुए, ये बड़ा एक ना अब जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब एक रहस्य बना, रहस्य किस्म का, इसको ढूंढना ही बहुत मुश्किल है जी, अंदाज़ा लगा सकते ना, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो लोग जो ना जो काफ़ी, क्योंकि लाहौल में टोटली माइग्रेटेड लोग हैं जी, बाहर से आए हुए ना जी, तो एक मतलब हमारे जो कल्चर में ना मतलब एक खिचड़ी है लाहौल में, ये मतलब आज मैं बता रहा हूँ ये मतलब सच्ची बात, खिचड़ी है। और गीत जो हमारे लोक संगीत है ये भी बिल्कुल मतलब एक अजीबोगरीब है, मतलब एक तो इसका पूरा वक्र स्वरूप है, जो वक्र कहते ना जैसे, बड़ा पेचीदा, इसको समझना बहुत मुश्किल है जी। अब गहर घाटी है वहाँ का कुछ अलग है, केलंग साइड का तोद घाटी है उनका अपना थोड़ा, उनका स्पीति से मिलता है, गार वालों का उनका वो थोड़ा इधर हमारी तरफ आ गया, पटन घाटी का आ गया, थोड़ा तिनन बेली का आ गया, ये जो गोंदला से सू बोलते हैं, इस तरह से खिचड़ी है, मतलब बहुत मुश्किल है। मैं कुछ ना कुछ मतलब करता रहता हूँ जो, कुछ शोध करने का भी कोशिश करता हूँ थोड़ा इतिहास, मतलब कहा जाए तो अलग अलग जो कल्चर है अलग अलग वो हम लाहौल स्पीति में हमें देखने को मिलते बहुत हैं। मिलेगा तो, तो सर अगर हम बात करें जैसे कल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी हम कल्चर की बात करते हैं हमारे आंखों के सामने एक जो हम इमेज सोचते हैं, एक दृश्य सोचते हैं, वो रंग बिरंगी पोशाकें होती हैं और गाना होता है, और कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ का खान पान भी बहुत अगर हम देखें तो वो भी सबसे अव्वल नंबर पे आता है। तो कल्चर के बारे मैं चाहूंगी कि लाहौल स्पीति का किस तरह का कल्चर है उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। जहाँ तक जो आप वेशभूषा का सवाल है ना जी, वेशभूषा वहाँ पर मतलब महिलाएं विशेषकर वो चोड़ा बोलते हैं, वैसे चोड़ू बोलते हैं, चोड़ू लगाते जी, हैं जी। अब ये हमारे गीतों में भी इसका आता है वर्णन ना, चोड़ू, जैसे पीठी लादे चोड़ू, जंगा लादे सुथणू, जंग का मतलब है जैसे ये आपका ये टांग है मतलब पूरा हमारा यहाँ से लेकर ना जी, उसको मतलब जांग का नाम दिया, पता है ना जी, जी। तो
तो मतलब टांग मतलब इधर मतलब पजामा लगाते थे और पीठ पे जो हम चोड़ू पहनते थे जी, गीतों में आता ना जी, जी तो हमारा जो मेन है पोशाक है जो महिलाएं जो ना वो प्राचीन समय का तो कुछ और था जी। तो मतलब ये कतर बोलते हम कतर जी, जी। कतर लगाते थे जी। मतलब इसको पूरे वर्ल्ड में मतलब एक ऐसा इसको वो माना गया ना हमारे इस वेशभूषा को हमारे भारतवर्ष में विशेषकर मतलब पर्दे वाला वो है ना जी पर्दा मतलब शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं देगा जब वो लगाते हैं ना जो चोलू लगाते हैं जी। चोलू के साथ एक जैकेट से लगाते हैं उसको हम कुर्ती बोलते थे कुर्ती मतलब कि बास्केट टाइप का ना जी महिलाएं लगाती हैं हमारे चोलू के साथ जी। तो चोलू भी अब उस पुराने टाइम में तो पता नहीं अब ऊनी चोलू लगाते थे अब समय के परिवर्तन के साथ साथ ना जी अब इसमें कोई कई किस्म के कपड़े आ चुके हैं कुछ चाइना मेड है कुछ कहाँ से तो वो एक कपड़ा है गोशन बोलते हैं गोशन ये गोशन का कपड़ा जो ना शायद पता नहीं ये खास तो कहते हैं पता चाइना चूना से आता था ये जापान जुपान पता नहीं कहाँ जो नॉर्थ ईस्ट से ना यहाँ से मतलब ज़्यादा वो इसका आता था ना ये कपड़े आते हैं तो आजकल उसका रिवाज है हमारे लाहौल में ना ये अब ब्याह शादियों का कहीं आप वीडियो में कलेश वगैरह हमारी लाहौली महिलाएँ डांस करते हुए देखो बच्चे बुच्चे है ना जी, जी। मतलब वो वाला जो गोशन का जो वो चोड़ू है ज़्यादातर वही नज़र आएगा आज की डेट में जी। इतना परिवर्तन आ गया ना जी, जी। पहले सिंपल मतलब ऊनी ऊनी पजामा लगाते थे ऊनी चोड़ू लगाते थे तो जो पुरुषों का जो पोशाक होता था ना जी वो साथ में वो लगाते थे गोल टोपी बोलते हैं हाँ जी। जैसे हमारे कुल्लू कुल्लू में नहीं लगाते हैं जी गोल टोपी जी, जी। जैसे ये जो हमारे देवता के जो गुर वगैरह होते हैं वो उस टाइप की टोपी का भी प्रचलन था जी जी। फिर उसमें जो बाल रखते थे उसको जमटी बोलते थे बोले जमटी ना हमारे बोली में जैसे अब ये बीच में गंजा ना जी इधर उधर को लंबे लंबे बाल फिर वो गोल टोपी फिर सफ़ेद चोड़ू लगाते थे जी सफ़ेद चोड़ू और फिर पजामा जी। फिर उसमें जो यहाँ हम हमारी बोली में बोलते हैं कुछ सिर वैसे डाक भी बोलते ना उसको डाक हमारे लोगों ने डाक नाम दिया हुआ है ये जो गाची बोलते ना हम जैसे हाँ लगाते हैं कुल्लू में वो सिर बोलते हैं हम तो वो भी लगाते थे मतलब वो सफ़ेद चोड़ों के साथ ना जी जी। तो इस तरीके का था फिर उसमें फिर वो आपका जो फूल वगैरह लगा के बड़ा मतलब एक अच्छा वो समझते थे तो महिलाएं जो है वो हमारे जो अब कई कम्युनिटी के ना जैसे अब हमारे स्वांगला भी है स्वांगला बोलते हैं जैसे जो हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी है वो एक मतलब गोल टोपी लगाती थी महिलाएं भी ना जी, जी। हम लोग नहीं लगाते थे वोट नहीं लगाते थे वो टोपी वो सिर्फ स्वांगला या और एक और हमारे दूसरे कम्युनिटीज़ भी हैं जैसे हमारे जो दूसरे कम्युनिटीज़ हैं ना जी जो हाँ जी, हाँ जी। जिसको हम थोड़ा वो मतलब वो करते हैं जिनको जो तो उनका भी उन कम्युनिटी कुछ कम्युनिटियों का मतलब ऐसे वेशभूषा थी वो टोपी लगाते थे जी। गोल टोपी ऐसे ना जी जैसे अब वो उधर पांगी पोंगी में वो लाल जोजी वगैरह नहीं लगाते जी, लाल जी। जोजी बोलते ना जोजी या सिर के ऊपर लाल जोजी बोलते ना उसको जोजी लगाते थे वो मतलब अपने पुरानी वेशभूषा उसमें था मतलब कहा जाए तो जो ये रंग है वो हम पोशाक में भी देख पाते पोशाक हैं पोशाक में भी और उसके बाद जो हमारे जो खास कर उसके साथ जैसे अब पहनाव में जैसे ज्वेलरीज में है जी। तो उसमें पोशल पोशल करके ना जी पोशल अब मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है वो गोल गोल ना जी इतने बड़े बड़े वो यहाँ लगाते थे आपने देखा मतलब मतलब देखा जाए तो हम ये जो कलर्स है ये जो रंग है पोशाकों में भी देख पाते हैं बस बस और सर जैसे कि आपने बताया कि जो ये पोशाक है उसके बारे में कई सारे गानों में भी लोग गीतों में भी जिक्र हुआ है तो अगर आपको ऐसा कोई गीत पता है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी ऐसा कोई गीत सुना दें थोड़ा सा सुना तो हो पेरा लांदे मोचनी बोला पेरा लांदे मोचनी लाल जिंदे मोरनी खड़ी बड़ी बांकी बांकी बोला यानियो तुंदे राजा हुंदे गला गवाई बोला यानियो तुंदे राजा हुंदे गला गवाई बोला पिठी लांदे चोड़ू
लाल लाल जिंदे मोरनी खड़ी बड़ी खड़ी बड़ी बांकी बोलयानी ओ तुंदे राजा हुंदे गाला गवाई बोलयानी ओ तुंदे राजा हुंदे गाला गवाई। मतलब ये पूरा थोड़ा सा सुना, ये है इससे मतलब वेशभूषा से रिलेटेड है, बहुत खूबसूरत। और ये गीत जो है ना जी, इस पर बनाया हुआ आपका जो हमारे त्रिलोकीनाथ के जो ठाकुर बोलते हैं ना दामिनी जी, जी उन पर, मतलब ये प्राचीन हमारा लोकगीत है जी। जी हाँ जी जी बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरती से जो है आपने ये गीत हमें सुनाया। और सर जैसे कि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि बांसुरी वहाँ पर गाई जाती है, और जैसे कि हम अगर बांसुरी की बात करें तो हम एक आम बांसुरी की बात करते हैं तो बांस से बनी होती है और उसी का जो है यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है हमारे भारत में। लेकिन जो लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक अगर हम बांसुरी की बात करेंगे तो वो थोड़ी सी अलग होती है और उसका मान्यता भी अलग है, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। हाँ मैं साथ लाया हूँ जी, ये हमारे ना लाहौल में जो हमारे एक प्राचीन जो वाद्य यंत्रों में नगाड़ा नगाड़ा जो बजाते हैं ना जी, और पीतल की बांसुरी और कांसे की थाली जी, इसका मतलब प्रचलन है जी लाहौल में ना जी। जी लेकिन धीरे धीरे समय के बदलते बदलते जो ना जब इसका प्रचलन भी निशान तो अभी मतलब बज रहा है जी, लेकिन ये जो पीतल की जो मुरली ना जिसको हम एक हम लाहौल में इसको एक अपने लोक संस्कृति का एक धरोहर मानते हैं जी। जैसे संगीत में गायन को प्रधान माना गया तो हमारे फोक की दृष्टि से मतलब ये जो जो रियेरी मुरुली बोलते हैं उसको, रिया बोलते हैं हम अपने पटरी में पीतल को जी, जी, जी। रियेरी मुरुली ये हमारे जो गीत घुरे में ना जी इसमें भी जिक्र आता है इसका जी। इसको प्रधान माना गया क्योंकि ये बताते हैं कि ये हमारे मतलब देवी देवताओं की दी हुई वो है जी, ये ना जी उनका वाद्य यंत्र है। इसमें एक ये है कि अलग किस्म का ना इसका, इसमें एक अपना एक वाइब्रेशन है इसमें ना जी, ये जो देवी देवताओं को बहुत मतलब एक उनको मानते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी वो लकड़ी की मतलब वो इसकी मुरली नहीं बजा, धातु की बनी हुई मुरली बजाते थे ना जी, जी। हो सकता है वो कोई अष्ट धातु की बनी हो उस समय, बिल्कुल शुरुआत तो मुरली की वहीं से होती है जी। तो अब विशेषकर ये जो पीतल की जो मुरली का जो हमारा जो है ना जी, ये मतलब हमारे जो देवक्रांत बोलते हैं हमारे जो देवी देवताओं का विशेष उत्सव होता है, तो खास कम्युनिटी के लोग मतलब इसको बजाते थे पहले जी, लेकिन अब बंद हो गया ये, मतलब वो उन्होंने बजाना ये बंद कर दिया जो बजाते थे ना पहले, उन्होंने छोड़ दिया इस काम को ना जी, जी। तो अब लाहौल में मतलब लुप्त है ये चीज़, अब पीतल की बांसुरी तो मतलब लुप्त हो चुकी है। पर मैंने थोड़ी मतलब ये प्रयास किया है कि किसी ने मुझे गिफ्ट करी थी ये ना ये जी, ये बांसुरी तो मैं इसको बिल्कुल मतलब संभाल के रखी है जी, क्योंकि ये हमारे एक धरोहर है ना जी, जी। तो सुनना भी चाहेंगे आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि हमने बांसुरी के बारे में जाना, और जैसे कि आपने कहा कि कल्चर इसका कल्चरली इसका कितना इम्पोर्टेंस है, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा अगर सुना दें। सुना देता हूँ जी 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 जी। तो दर्शकों जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग हम कल्चर की बात करते हैं अपने नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में, हम देखते हैं कि अलग अलग रंगों के बारे में बात हो रही है, कल्चर के बारे में बात हो रही है। जैसे अभी भी हम बात की, हमने पोशाक की बात की, लाहौल स्पीति के रंगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, और साथ ही जैसे कि धरोहर है, हमारे वाद्य यंत्र है, अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो अभी हम जो मुरली है लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में बात करेंगे और सुनेंगे भी उसको, तो आइए सुनते हैं। Thank you.
इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है इसमें ना जी, थोड़ा बिल्कुल बहुत खूब सर। अगर हम बात करें जैसे कि आपने बताया कि जो मुरली है उसको किस तरह से बजाया जाता है, और साथ ही जैसे कि आपने बात की, अगर हम देखें तो आजकल ये जो कल्चर है, ये जो वाद्य यंत्र है, ये किसी तरह से लुप्त हो रहे हैं और आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम आजकल की बात करें तो हम आजकल के यूथ की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो कितना ज़रूरी है बच्चों को अपने कल्चर से जुड़ना, आजकल की यूथ को अपने कल्चर को समझना, अपने कल्चर से जुड़ना, क्योंकि हम देखते हैं लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ आगे जी, बढ़ रहे जी, हैं जी, 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 उसे जी, भी जी, समझ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ कितना ज़रूरी है अपने कल्चर को भी समझना और उसे आगे लेके जाना। अब इसके लिए तो मैं ये आपको मतलब शेयर करना चाहता हूँ जी, आपसे आपको बताना चाहूँगा मेरी अपनी सोच के मुताबिक, जो नहीं मेरी सोच है जो मैं अपना सोचता हूँ। अब मैं बहुत सारे मतलब बुद्धिजीवी वर्गों के साथ मैंने इसके बारे में चर्चाएं भी की है ना जी, तो कई किस्म के लोग होते, कई बार वो अब कोई जैसे कहते ना कि हालांकि बात तो सच्ची होती ना, लेकिन कईयों को फिर वो थोड़ा मतलब बात जो कड़वी जैसी लगती है कि यार ये होता कौन है इस तरह से मतलब बोलने वाला, कई बार ऐसे भी बात आती ना, तो मैं इसे फिर थोड़ा बचने की मतलब कोशिश करता रहता हूँ। तो मैंने अपने जो बुद्धिजीवी है बुद्धिजीवियों से भी मैंने इस बारे में कुछ मतलब मैं चर्चा कर चुका हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता ना जी। ये जो कल्चरल में जो इतना डिफरेंस, इतना ये हमारे संस्कृति में जो फ़र्क आ गया ना जी, ये हमारे अपने बड़ों की गलती है, हमारे अपनी, ठीक है ना जी, जी। मैं अपने अपने आप को उससे अछूता नहीं रखता हूँ, मैं स्वयं भी शामिल हूँ, क्योंकि सबसे पहले ना जी बच्चे जो अब हम जो बच्चा तो बच्चा देखो ना जी, माँ बाप के लिए बच्चा सब कुछ होता है, उनका औला उनकी औलाद है, तो उनके कैरियर के बारे में माँ बाप अच्छा ही सोचेंगे ना, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उनको मतलब उनके कैरियर के बारे सोचते हुए कि इनको यार अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन इस तरफ थोड़ा अज्ञानतावश ही बोलो, जो खास कर ये जो गाना बजाना है, जो गीत संगीत है, क्योंकि पुराने टाइम में कुछ ऐसी धारणाएँ होती थी मतलब इसको कुछ मतलब गीत संगीत को अच्छा नहीं समझते थे हमारे वहाँ ना जी, ये कहते हैं ये तो अच्छे लोगों का काम कार्य नहीं है गाना बजाना, हालांकि इतना पवित्र काम है, देखो देव गंधर्वों का काम है ना जी, बिल्कुल ये काम करना चाहिए, बांसुरी बजाओ, ढोलक बजाओ, है ना जी। तो मतलब ये गाना बजाना जो कुछ ऐसी संगीत में मैं पढ़ता रहता हूँ ना, जब किताबें पढ़ता हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, तो उसमें यही आता है ना जी। जी तो इसमें ये कहते हैं कि पुराने बड़े धारणा थे समाज में कि यार ये तो हैसियों का काम है जी, ये फलाणों का काम है जी, ये तो अच्छे लोगों का काम नहीं है जी, मतलब इस तरह से उसमें फिर कास्टिज्म भी लाते थे ये कुछ, पर मेरी सोच अलग है जी, ये सब के लिए ज़रूरी है ना जी, चाहे जो मर्जी जो भी कोई कम्युनिटी हो, गीत संगीत है ना, ये तो देव गंधर्वों का जी, भगवान शिव का दिया हुआ, माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान है जी ये तो जी। बिल्कुल सर, अगर कहा जाए कि जो कल्चर है सिर्फ बच्चे ही नहीं आजकल के, बल्कि ये बड़ों का भी काम है कि उन्हें भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और कल्चर को आगे लेके जाना सिर्फ बच्चों का ही नहीं सबका काम है। जी सर, अगर हम बात करें जैसे कि आपने कहा था कि आपने बहुत छोटी उम्र में जो है गाना शुरू किया था, तो अगर जैसे आपने कहा कि बाल सभाएं होती थी, तो क्या कोई इंसिडेंस ऐसा आपको याद है कि पहली बार आपने गाया हो, किसी के सामने आपने गाया हो, और किस तरह का वो माहौल था? बाल सभा में तो मैं गाता था ना, मैं एक हट करके थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ भी कुल्लू में, कुल्लू नहीं शायद नहीं, कुल्लू में मैं किसी से जिक्र कर रहा था, कोई मित्र से ना जी, तो उसमें ऐसा है दामने जी, ये हमारा जो आपका सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ना जी, एक स्टेट के उसमें तो मैं खुद रहा ना जी, मैं वहीं से रिटायर हुआ हूँ, जैसे जो स्टेट ड्रामा नाट्य दल में था ना जी, फोक मीडिया में मेरी सिलेक्शन हुई थी 85 में ना जी, एक कलाकार के रूप में आया था मैं इस विभाग में जो पब्लिक रिलेशंस, तो मैंने भी काम किया सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में, वहीं से तो मैं रिटायर हुआ हूँ ना जी, ये आपका अगस्त 2018 को मेरे रिटायर हुआ जी, तो ऐसे मैं सूचना अधिकारी रिटायर हुआ, क्योंकि इसमें हमारे विभाग में फिर वो अब नौकरी में ऐसा होना प्रमोशंस मिलती है, तो हमारे अब जैसे पब्लिक रिलेशन में जैसे एक तकनीकी विभाग है, एक हमारा जो स्थापना बोलते हैं ना उसको, जैसे जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट होता है,
एक हमारा जो दूसरे जर्नल जो कैटेगरी से आते हैं इसमें सिलेक्शन है, जैसे DPRO APRO ये वो जी। तो अब ड्रामा यूनिट में मतलब वो एक हमारे ट्राइबल के लिए पोस्ट निकली थी कला का, तो मेरे उसके लिए सिलेक्शन हुई थी जी, ये 85 में आया था। तो वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर इस मुकाम तक पहुँचा, तो अंत में मैं एक सूचना अधिकारी के उस पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ जी। बिल्कुल सर, जैसे कि आप अपनी तो बताया ना जी मैंने आपको। हाँ जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अपनी सर्विस का जिक्र किया और अपने अलग अलग जगह पे काम किया है, और जब हम जॉब करते हैं नौकरी करते हैं तो अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होती है, तो आपने कई सारे कल्चर देखे होंगे, कई सारी जगह जो है आप रह के आए होंगे। तो जैसे हम देखते हैं हिमाचल का एक विविध कल्चर है, और अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह का हम कल्चर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है, अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग कल्चर है। तो जैसे आप जाते रहे और आप सिंगर भी है, लैंग्वेज भी अलग होती है, कल्चर भी अलग है, तो आपने किस तरह से जो है लैंग्वेज को समझा, वहाँ के कल्चर को समझा, और वो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा? अब हेल्पफुल तो रहा ना, क्योंकि यहाँ मतलब जो हमारे हिमाचल में जो खासकर जो हमारे ट्राइबल एरियाज है ना जी, जी जैसे अधिकतर मैं देखो ना स्पीति में रहा, कुल्लू कुल्लू में तो मैं रहा हूँ, कांगड़े में भी रहा और सोलन में रहा, तो अलग 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 मतलब वो है ना जी, तो अलग अलग संस्कृति है, हर एक उसके संस्कृति में जो वहाँ के लोग गीत है वो लोकगीतों का महत्व है जी। जी अब इसमें कई बार आते हैं कुछ लैंग्वेज समस्या, जैसे भाषा समझने की दिक्कत आती है। किन्नौर में रहा मैं, स्पीति, अब स्पीति की जो वो है ना जी उनकी जो अब भाषा बोलें या बोली बोलें क्या बोलें मतलब बहुत मतलब कठिन है जी, वो हमारे लिए भी समझना बहुत कठिन है जी। जी लेकिन जो वहाँ के जो मैंने कोशिश की, मैंने मैं गीत सीखूंगा वहाँ के, लेकिन वो मैं एक गा नहीं पाया जी लैंग्वेज प्रॉब्लम वजह से ना, लेकिन उसकी जो धुन है जी वो मैंने पकड़ के रखी, वो मैं बांसुरी में बजाता हूँ जी। मैं आपको एक अगर सुनना चाहेंगे तो ना एक स्पीति और किन्नौर का भी मैं आपको मैं बजा के सुना सकता हूँ जी। बिल्कुल सर, पर वो सुनाऊंगा मैं इस बड़ी इसमें ना ये लकड़ी की बांसुरी पे। जी जी सर बिल्कुल। अब जैसे हमारे स्पीति में जो वहाँ के जो लोक धुन है, जैसे लोक धुन है स्पीति में कैसे जो है मैंने सीखा ना जी, वहाँ गाना में वोकल नहीं सीख पाया, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम की हमारे लिए बहुत दिक्कत है ना जी, वहाँ का जो उनका कल्चर बिल्कुल अलग डिफर है ना जी, स्पीति वालों का हमसे बिल्कुल, लाहौल वालों से बिल्कुल नहीं मिलता जी उनका जी। तो जो गाने गाने जो लोग संगीत है उसका भी उनका अलग ही अपना रंग ना जी, जैसे अब ये है वो आपका Thank you.
बहुत खूब ये सुपीति और किन्नौर का मैंने काटे लास्ट किन्नौर का किन्नौर की धुन थी बिल्कुल कितनी खूबसूरती से जो है हमने ये धुन सुनी। और जब हम ऐसे ही धुन सुनते हैं तो हमें एक कल्चर का एहसास होता है, अपने बारे में पता चलता है और रूट से जुड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो भी हमें पता चलता है। तो सर जैसे कि आपने कहा कि लैंग्वेज एक तरह से एक बैरियर भी था, थोड़ी कठिनाई भी आई, लेकिन आप जैसे कि गीत गाते हैं अलग अलग जो है म्यूज़िक आप करते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज में आप गाते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी लैंग्वेज है जिसमें आप गाते हैं और किस तरह से जो है वो शुरुआत हुई सीखने की? अच्छा जी, तो इसमें तो ऐसा ना जी, अब बचपन से मैंने जैसे बताया मैंने गाना बजाना शुरू किया, तो ये मतलब 80 दशक में ना जी मैंने फिर जब कुल्लू जब मैं कॉलेज मैंने ज्वाइन किया तो संगीत के बारे में तभी मुझे अधिक मतलब जानकारी मतलब ऐसा नॉलेज हुआ ना जी। तो मोटिवेट मुझे मोटिवेट करने वाले थे वो एक प्रोफेसर थे, मेरे भाई लगते हैं वो जी, कुल्लू में रहते हैं वो सतारा मिल में जी, प्रोफेसर RS कपूर जी, अंग्रेजी पढ़ाते थे तो हमारे गांव से ना जी मेरे भाई लगते हैं वो, तो उन्होंने बड़ा भारी मोटिवेट किया, कहता है यार जब कॉलेज में एडमिशन BA फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया ना 1980 में जी, तो उन्होंने बोला यार कहता रामदेव ऐसा है संगीत के तो आपने सब्जेक्ट रखना बिल्कुल है ना जी, वो इसको ज़रूर सीखना, क्योंकि हमारे लाहौल में कहता अब ऐसा ना कि इस विषय को सीखने वाला कहता कोई मतलब ज़्यादा रुचि भी नहीं रखते है भी नहीं है, आप कहता बहुत अच्छा गाते हैं, उनको पता था ना मेरे टैलेंट के बारे में, गाता था बांसुरी बहुत बढ़िया बजाते हैं, तो कहता अगर कोई घर वाले जैसे पिताजी है बड़े भैया जी, क्योंकि वो इन चीज़ों से थोड़ा परे थे ना जी उनका भी जी। वो नहीं मतलब संगीत संगीत के बारे में जी। सही मतलब वो जानकारी नहीं थी ना संगीत क्या चीज़ है, गाने गुने तो गा लेते थे लेकिन नॉलेज नहीं था जी, तो बोला मैं उनको समझा दूंगा कि मैंने रामदेव को प्रेरित किया कि वे आपने म्यूजिक सीखना जी, मतलब जैसे आपकी म्यूजिक तो की शुरुआत वहाँ से वहाँ से और आगे जैसे आप बढ़े, तो जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज में भी आप गाते हैं क्योंकि हम सीखते रहते हैं नई नई चीजें, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को एक अलग कांगड़ा का या कोई और गीत और संगीत जो है वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो ये कांगड़ी गीतों का असल में ऐसा होना जो सीखने का, क्योंकि जैसे मैं जब ये एक मतलब आर्टिस्ट के रूप में जब मैं आया था ना तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी जी, तो फिर मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो अब कांगड़े में वहाँ का भी जो लैंग्वेज है ना जी, अब उसमें भी प्रोनाउंसिएशन जैसे बोलते हैं ना चढ़ने क्वाड़ू डाली है ना जी, जी तो इन दिनों में बड़ी दिक्कत आती तो बड़े मैंने बहुत परिश्रम किया जिनको सीखने के लिए ना जी, जी। बल्कि अभी मैंने एक वीडियो भी मैंने वो वायरल किया था, अभी मैंने शुरू में वो जब ये आप टेस्ट कर रहे थे ना उस पर गाया था मैंने वो भला साधु जोगिया जी, ये जी बिल्कुल सर वही सुनाता हूँ मैं, वो काफ़ी फेमस है इस वक्त ना जी, वो पूरे जी, बहुत लोग मतलब सुन रहे हैं उसके मतलब बहुत सुना है, मैं खुद तो नहीं देखता हूँ जो अपनी चीज़ है ना जी, जी लोग बताते हैं कहते हैं इतना कहते हैं उसके मतलब बीबर्स हो गए कोई मतलब मिलियनों के हिसाब से हो गए थी आप सर, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि यही गाना आप हमारे दर्शकों को सुना सुनाऊंगा जी जी। Da 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 re da re da re da 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 re da Pala sadhu jogiya ho moya kangde re banne palya wo kangde re banne tuna tera wo jogi ya pala sadhu जोगिया हो मोया बाबिया रे टोक्या पलया ओ बाबिया रे टोक्या जोग ते धरा वो जोगी या पला साधु जोगिया हटी ते करटी
पलिया वो हटी ते करटी गल्ला तेरी वो जोगी या भला साधु जोगिया हो मोया किकरी रे डाले पलिया वो किकरी रे डाले चोली तुम्बा तेरा वो जोगी या भला साधु जोगिया हो मोया किकरी रे डाले पलिया वो किकरी रे डाले चोली तुम्बा तेरा वो जोगी या भला साधु जोगिया हो मोया कांगड़े रे बने पलिया वो कांगड़े रे बने तूना तेरा वो जोगिया तूना तेरा वो जोगिया तूना तेरा वो जोगिया। सर कितनी खूबसूरती से आपने जो है ये हमें लोकगीत सुनाया। और जैसे कि आज हमने बात की आपसे कल्चर के बारे में बात की, हमने पोशाक के बारे में बात की और अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने बात की, कल्चर के बारे में जाना, बांसुरी के बारे में जाना। आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि हम रंगों की बात करते हैं, वो सारे रंग आज हमने अपने इस कार्यक्रम में देखे आपके ज़रिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी के साथ दर्शकों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन दर्शकों इतना ही नहीं, जाते जाते भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आपसे कि आप हमारे दर्शकों को एक गीत सुनाते हुए जाएं। मैं एक गीत सुनाना चाहूंगा दामिनी जी। ये गीत मुझे याद है जब मैं यहाँ आकाशवाणी शिमला से जब मैं स्वर परीक्षा दी थी, मैंने जब मैं फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी, पहली रिकॉर्डिंग, तो उसमें ये गीत गाया था मैंने अपने लहुली बोली में, जो हमारी जैसे जो मैं हमारी जो वर्तमान बोली है ना, जो अभी हम बोली बोलते हैं, बिल्कुल उसमें जी। ये कंपोजिशन है, जो इसके जो कंपोजर या जो इसके रचयिता ना, जो मैं नहीं हूँ, वो कोई दूसरे हैं जी। उनका शुभ नाम है श्री बलदेव कृष्ण गढ़संगी जी, उनका बनाया हुआ गीत ये जी। और इसको जो कंपोज किया था, मतलब जो स्वर रचना की थी, वो हमारे मेरे सारे थे, मतलब मेरे जो सहपाठी ना जी, मैं नहीं था उस वक्त ना जी। तो मैं तो उस वक्त शायद नौकरी में लगा हुआ था जी, छुट्टी आया हुआ था ना, तो उन्होंने ये गीत तैयार करके रखा था मनाली में जी। फिर उन्होंने मुझे मनाली बुलाया था गाने के लिए, बोला जी आप जी, इसको गाओ जी। बिल्कुल सर, तो मैं चाहूंगी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये गीत सुनाएं। हाँ जी। कमड़ घर बारो हो गेता बड़े ओ आनो चिलजू करम सेमा पाओ ओ आनो चिलजू करम सिमा पाओ कमुड़ घर बारो हो गेता बाड़े ओ ताला चिलगी दे धोन यौआ पाओ ओ आनो चिलजू करम सिमा पाओ ओ आनो चिलजू करम सिमा पाओ काजोंता नील लशे पा काजोंता नील लशे